अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखेंगे ये जो क्वेश्चन है इसमें बताया गया है अ बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी 6.4 × 10⁻⁵ वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज कंप्राइज्ड ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 310 नैनोमीटर. इट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ मेटल हैविंग वर्क फंक्शन 2 eV ऑफ सरफेस एरिया 1 cm². If 1 × 10³ photons ejects an electron, total number of electrons ejected in 1 second is 10⁻X. Then find X. दिया गया है Hc जो है वो है 1240 eV/nm. 1 eV का मतलब ये दिया गया है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल. ठीक, तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 1 cm² का कोई एरिया है ना, यहाँ पर जो है वो रेडिएशन आ रहा है, लाइट आ रहा है ना. लाइट की जो इंटेंसिटी दी गई है ना, इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है ना. और ये दिया गया है 6.4 × 10⁻¹⁵ वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, और इसका एरिया भी 1 cm² है. तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर जो पावर होगा, पावर एक्चुअली में होता है इंटेंसिटी इनटू एरिया है ना, मतलब कि एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम. ठीक है, ये होता है एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम. यहां पर एरिया को मैं इधर ले जाता हूं तो ये हो जाता है पावर. तो पावर होता है ये इंटेंसिटी इनटू एरिया, जो कि आएगा 6.4 × 10⁻¹⁵ वाट. एरिया भी 1 cm² था और ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर था है ना. तो इस तरह से पावर आ जाएगा इतना 6.4 × 10⁻¹⁵ वाट, या ये कह सकते हैं जूल पर सेकेंड. एक सेकेंड में इतना जूल एनर्जी जो है यहां पर आ रहा है. तो जो पावर होता है, पावर को हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं एन इंटू एच सी बाई लैम्डा, जहां पर एन क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड. ठीक है, तो ये जो स्पेशल सिंबल है ये देखेंगे आप अगर मेरा वीडियो लेक्चर, तो उसमें मैंने बताया हुआ है ये होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड. इंटेंसिटी को हम लोग ऐसे लिखते हैं स्मॉल एन एच सी बाई लैम्डा. ये जो एन होता है इंटेंसिटी में स्मॉल एन, ये होता है फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. ठीक है, तो यहां पर चूंकि पावर आ गया तो हम लोग ये वाला यूज करेंगे. तो इसको मैं लिख सकता हूं एन इंटू एच सी. एच सी जो है वो यहां पर देखेंगे 1240 eV/nm दिया है. मैं इसको लिख सकता हूं 12400 eV/angstrom लिख सकता हूं है ना. इसको लिखा जा सकता है 12400 eV/angstrom डिवाइडेड बाई लैम्डा. लैम्डा जो है, अगर चूंकि ये एंगस्ट्रम है तो लैम्डा को भी एंगस्ट्रम में लिखना पड़ेगा. यहां पर जो लैम्डा दिया गया है ये दिया गया है नैनोमीटर में, 310 नैनोमीटर. तो ये 3100 एंगस्ट्रम आ जाएगा, 3100 एंगस्ट्रम. तो देखेंगे यहां पर जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा. एंगस्ट्रम और एंगस्ट्रम तो कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जबकि पावर दिया है जूल पर सेकेंड में. हम लोग क्या करेंगे, इसको भी जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 × 10⁻¹⁹ से है ना. यहां पर लिखा भी गया है कि 1 eV जो है वो होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल है ना. तो यहां से एन का जो वैल्यू है वो आप निकालेंगे तो आएगा 10⁻¹⁴ है ना. ये आ गया 10⁻¹⁴, मतलब इतने फोटॉन्स एक सेकेंड में जो है इंसिडेंट हो रहे हैं.
एक होता है फोटोन इफिशियंसी. फोटोन इफिशियंसी क्या होता है देखेंगे. यहां बताया गया है कि इफ 1 in 10^3 फोटॉन्स इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 1000 है, 1000 फोटोन आते हैं तो एक फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है ना. मतलब ऐसा कर सकते हैं कि 1000 फोटॉन्स अगर इंसिडेंट होंगे तो एक फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा. अगर एक फोटॉन इंसिडेंट होगा तो 1/1000 इतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. कितने फोटॉन्स आ रहे हैं एक्चुअली में, इतने फोटॉन्स आए हैं 10^14 फोटॉन्स आए हैं, है ना. तो कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, 1/1000 × 10^14 यानी ये आ जाएगा 10^11. तो 10^11 फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट होंगे. यहां पर वही दिया गया है कि एक सेकेंड में कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, 10^x. ये भी ध्यान रखना है कि एक सेकेंड में ही है. क्यों? क्योंकि ये एनर्जी जो था वो पर सेकेंड था, तो पर सेकेंड में ही ये आया है. और यहां भी लिखा है an क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड. एक सेकेंड में इतने फोटॉन्स आ रहे हैं तो एक सेकेंड में इतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. ठीक. तो अगर इसको कंपेयर करें, यहां पर 10^x दिया था, हमारे हिसाब से आया 10^11, तो x का जो वैल्यू है वो आ गया 11.